Hello everyone, welcome to my channel to a new vlog. Today it's going to be a talking video. And almost Canada aane ke 1.5 saal baad, we thought we should finally share our immigration story with you all. Aisa koi bhi fancy story nahi hai, but still, you know, just for ourselves and ho sakta hai, you know, similar, hamare similar situation mein there might be people out there in India jo Canada aane ke bare mein soch rahe hai. So I thought shayad kisi ka help ho jaye. So usually, you know, when people decide about माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, लोगों के बहुत सारे प्लान्स होते हैं, राइट, कि नहीं हमको वहाँ पे जाके एडुकेशन करना है. यू नो, हम दे आर लाइक वेरी श्योर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ हाउ दे वॉन्ट टू सी देमसेल्व्स इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स. जैसे आई नो अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने बैक इन इंडिया लाइक शादी करके नहीं घर नहीं खरीदा, कुछ सामान नहीं खरीदा, बिकॉज उनको पता था कि नहीं हमें यहाँ नहीं रहना है, हमको जाना है कैनेडा. हमारा वैसा केस नहीं था. या वी वर प्रीटी मच सेटल्ड इन बैंगलोर. हमने घर खरीद लिया, वी प्लान्ड अ बेबी, सब कुछ हो गया, सब सेटल वेटल. एंड द वन मोमेंट, यू नो, दैट क्लिक, एंड इट्स वेरी फनी. एंड अभी मतलब मैं मम्मी पापा को पता चलेगा तो आई डोंट नो व्हाट द रिएक्शन इज गोइंग टू बी. सो 31st December 2020, आसान इज व्हाट 8 मंथ्स ओल्ड, उसको सुला दिया. एंड वी कुडंट सेलिब्रेट, यू नो, आई वॉज ऑल्सो स्टिल रिकवरिंग. एंड शुभ्रतो वॉज वेरी बिजी दैट डे, क्योंकि उनका कुछ तो रिलीज चल रहा था. एंड ही वॉज वर्किंग लाइक, एंड आई रिमेम्बर रात के 11 बजे, लाइक द होल सोसाइटी इज इन द सेलिब्रेशन मोड, और रात के ऐसे 11 बजे में बैठ के ऐसे आई एम जस्ट स्क्रोलिंग, यू नो, थ्रू इंस्टा एंड यूट्यूब एंड ऑल ऑफ दैट. एंड सडनली मेरे एक बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड, शी इज करेंटली इन कैलगरी, उसका मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखा, CN टावर, एंड यू नो लिखा हुआ है माई व्यू फॉर द नेक्स्ट 7 डेज. नाउ दैट वॉज द चेंजिंग मोमेंट फॉर अस. ही इज लाइक बिजी इन द रूम, यू नो, अपना कर रहा है टेकी काम, एंड मैं ऐसे हॉल में सोफा में बैठ के आई एम थिंकिंग कि यार क्या सही है, मुझे भी जाना है. एंड वो जो एक मोमेंट था ना कि मुझे भी जाना है, आई वेटेड फॉर हिम टू फिनिश द वर्क. आई थिंक इट वॉज ऑलमोस्ट रात के 12:30, 1-ish. हैप्पी न्यू ईयर बोला जाके, एंड देन इज लाइक लिसन, लेट्स गो टू कैनेडा. एंड ही मुझे लगा मजाक कर रही है. He did not take me seriously. He just laughed it off and he is like, okay, chalo, happy new year, let's go to sleep. Phir hum jaake so gaye. But mera dimag ab seedha kaam karne laga. And for the next 3-4 days, without telling him anything, maine apna extensive research shuru kar diya ki Canada to jana hai. जाना है मतलब जाना है. नहीं सोचा क्या रिपरकशंस होंगे, कैसे क्या होगा. एंड आई स्टार्टेड, यू नो, लुकिंग इनटू अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड लाइक जनरल गूगल सर्च टू अंडरस्टैंड कि अगर जाना है तो कैसे जाना है. एंड दैट्स व्हेन आई फिगर आउट कि ठीक है, यू नो, एक्सप्रेस एंट्री एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया, यू नो, एजुकेशन इवैल्यूएशन, आईएलटीएस वगैरह. तो सब मैंने अपने लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ मैंने जान लिया. एंड वंस आई वॉज लाइक 100% रेडी, लाइक लिटरली विद अ प्रोजेक्ट प्लान, अगेन आई टोल्ड हिम कि सुनो, मैंने सब पता कर लिया कि कैनेडा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. ही स्टिल डिड नॉट टेक मी सीरियसली. ही इज लाइक, अच्छा अच्छा, ठीक है, सोचते हैं. एंड देन आई थिंक जनवरी एंड ऑफ फर्स्ट वीक में आई वॉज सपोज टू गो टू वाइजैक विद बुंटू. तो मैं निकल गई, अभी वाइजैक चली गई, एंड वहां पे मैंने अमेजोन से आइल्स के बुक्स मंगवाए, बिकॉज मेरे को पता था कि द फर्स्ट स्टेप इज, यू नो, आइल्स का एग्जाम देना है. तो मैंने क्या किया, बिकॉज ही वॉज इन बैंगलोर एंड आई वॉज इन वाइजैक, मैंने सेम बुक्स, लाइक वो कैम्ब्रिज के जो आइल्स के बुक्स थे, दो सेट, एक उसके उसको भिजवाया मैंने बैंगलोर में और एक अपने लिए मंगवाया. एंड देन ही वॉज लाइक, हेलो, ये क्या है, लोग स्टार्ट प्रिपेयरिंग, हम लोग आईएलटीएस का एग्जाम दे रहे हैं. एंड देन इज लाइक, आर यू सीरियस, लाइक यू रियली वांट टू गो टू कैनेडा. आई एम लाइक, या आई डोंट, लाइक आई हैव बीन टेलिंग यू 10 दिन से, आई एम टेलिंग यू कैनेडा जाना है. एंड आई थिंक देन, यू नो, इट हिट हिम कि ओके, शी इज सीरियस.
तो एनीवेज ही डिड नॉट प्रिपेयर, वो बुक्स वहीं पे पड़े हुए थे। उसके बाद हम लोग वो मतलब मैं वो सोचने लगा कि इसके फाइनेंशियल्स क्या होंगे। And I started preparing for IELTS and then very soon, you know, 5-6 दिन में realized कि नहीं हो पा रहा because एक तो you know वाइजा का माहौल is very different, you know हम लोग ऐसे group house है हम लोग का, लॉर्ड शाम को हर कोई आने लगता है, दिन भर में काम कर रही हूँ ऑफिस का, तो मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ। एंड एक थिंग वॉज वेरी श्योर कि हमें पता था कि हमें CLB 10 लाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ आर एज, ओके, बिकॉज ऑफ आर एज हम लोग एज के काफी पॉइंट्स लूज कर रहे थे एंड सी एडुकेशन का कुछ कर नहीं सकते, लाइक ही हैज MBA, आई हैव MBA, उससे अभी PhD तो नहीं कर सकते हम, मुझे लगता नहीं कुछ नहीं था 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 तो अभी द ओनली थिंग दैट वी कुड हैव डन इज CLB 10 लाना टू गेट द मैक्सिमम पॉइंट्स, लाइक अगर CLB 10 लाते तो हमारा 572-573 कुछ हो जाता पॉइंट्स, एंड आई थिंक उस टाइम पे कट ऑफ 472 करेक्ट 472 ऐसा कुछ हो जाता, एंड उस टाइम पे वही कट ऑफ चल रहा था, लाइक 470-471 का कट ऑफ चल रहा था, लाइक एंड मेरे को ये भी, एंड तब तक ना मैंने मतलब तो मेरी फ्रेंड जो यहाँ रहती है मैंने उससे भी डिस्कस कर लिया था, एंड आई हैव हर्ड ऑल दीज यू नो स्टोरीज ऑफ आइट्स की कैसे लोग मल्टीपल टाइम्स एग्जाम लिखते हैं, एंड यार आई मीन सी यू ऑल नो कि पैसे लगते हैं इन सब में, तो आई वॉज वेरी श्योर कि नहीं मेरे को मल्टीपल टाइम्स तो लिखना ही नहीं है, मैं भले 2 महीना पढ़ लूँ लगा के बट मेरे को मल्टीपल टाइम्स एग्जाम नहीं लिखना क्योंकि उतना पेशेंस मेरे को नहीं है, इनको तो बिल्कुल भी नहीं है, तो एंड बिकॉज आई एम लाइक लिटरली ऑन द ब्रेन की नहीं प्लीज प्लीज मान जाओ टाइप, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, एंड एकदम आई हैव गैदर्ड माई करेज एंड दैट इज व्हेन यू नो आई रिवील्ड टू माई पेरेंट्स कि हम लोग ऐसा ट्राई कर रहे हैं, वी जस्ट सेड यू नो ट्राई कर रहे हैं कैनेडा जाने का एंड देयर इज दिस वन एग्जाम जो हमें लिखना है और यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही तो कैन आई गो बैक टू बैंगलोर, एंड देयर लाइक ओके, दे वर सपोर्टिव, लाइक पापा थोड़ा सा वाज लाइक लिटिल, पापा ने उनको पहले अभी तक तब तक बिलीव नहीं हो रहा था कि हम सीरियसली जाने वाले हैं, तो एंड देन आई वाज लाइक नो देयर इज अ कैच, आई वांट टू गो टू बैंगलोर बट मैं बुंटू को यहाँ रख के जाऊंगी बिकॉज यू नो अगर बुंटू को ले जाती हूँ तो इट्स गोइंग टू बी द सेम ऑफिस का काम एंड देन आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, so it was a very difficult, I think that was like the first sacrifice, compromise, whatever you say, in our journey to Canada. So फिर बुंटू को मैंने वाइजा छोड़ा and third week of Jan I flew back to Bangalore and you know I booked, we booked the date, exam date, IELTS का Feb last week, so we had like good 5-6 weeks to prepare and those 5-6 weeks लिटरली मैंने बेडरूम नहीं छोड़ा था, ऐसे लैपटॉप लेके सोती थी, सुबह उठती थी, लिसनिंग टेस्ट 30 मिनट्स का, लाइक आंख भी नहीं खुलता था, पहले लिसनिंग टेस्ट दे देती थी, देन उठ के ब्रश करना एंड ऑल ऑफ दैट, फिर बैक टू बेड, सारा दिन ऑफिस का काम किया, जैसे ऑफिस का काम खत्म हुआ देन आई स्टार्ट विथ यू नो राइटिंग रीडिंग एंड बाकी सब प्रिपरेशन, एंड ही यूज्ड टू बी इन द अदर रूम, लिटरली सारा दिन कुछ प्रिपेयर नहीं करता था, रात को लाइक 11-11:30 बजे आई एम ऑलमोस्ट इन द ज़ॉम्बी स्टेट, इतना मेहनत करके आई एम कमिंग आउट एंड ही इज लाइक अच्छा तो आज क्या पढ़ा, एंड देन आई वुड गिव हिम लाइक अ समरी 10 मिनट में कि अच्छा पता है दिस इज द क्राइटेरिया, मैं ऐसे इसको फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा मैं किसको फॉलो, जो वही तो था मैं उसको फॉलो करती थी एंड यू नो वो बहुत अच्छे से बताते थे कि राइटिंग में कैसे कैसे करना चाहिए, आई यूज टू गिव हिम अ समरी कि ऐसे ऐसे राइटिंग करना चाहिए, ऐसे ऐसे रीडिंग करना चाहिए, उसका वो लिंक दे देना, हाँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगी कि मैंने किसका एक्चुअली किसका फॉलो करके यू नो ये राइटिंग वगैरह मैंने प्रैक्टिस किया था, उसका भी काफी फनी था वो एंड दैट 10 मिनट्स का समरी वाज हिज प्रिपरेशन, ठीक है तो अब दोनों में से कोई एक ही प्रिपेयर कर ले बाकी वैसे भी मैं प्राइमरी एप्लीकेंट थी तो मेरे पॉइंट्स यू नो ज्यादा मायने रखते थे, बट या ये जनाब तो बिना प्रिपेयर किए ही, आई विल कम टू दैट, so the next 6 weeks we did not know the world, हम सिर्फ मतलब हम नहीं मैं सिर्फ वही करती थी एंड बिरयानी ऑर्डर करके खा रहे, आइसक्रीम ऑर्डर करके खा रहे एंड देन एग्जाम लिखने गए, अभी एग्जाम भी इतना फनी था, हम तो गए लिखने एग्जाम, अब मेरे को नहीं पता था कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग होता है, सबका अलग होता है ठीक है, एंड एग्जाम
इट वॉज सुपर इजी, लाइक हम लोग इतने अच्छे प्रिपेयर कर लिए थे ना 6 वीक्स में कि हमको इतना इजी लगा एग्जाम. स्पेशली लाइक लिसनिंग रीडिंग में मेरे को पूरे पूरे मार्क्स आए, इनको भी पूरे पूरे मार्क्स आए. ठीक है, टॉकिंग में भी आई थिंक मेरे को स्पीकिंग में आया था 7.5. इनके भी पूरे मार्क्स थे. स्पीकिंग में मेरा 7.5 था, इसका 7 था. एंड राइटिंग में मेरा 7 था और तुम्हारा मुझसे ज्यादा था, 7.5 था, ऐसा कुछ था. ठीक है, तो मैं लिख के एंड वहाँ पे जो राइटिंग का जो टॉपिक था ना, मैं देख के मैं सोचूं ये तो एकदम बहुत अच्छा कर रहा होगा, दिस इज लाइक जो टॉपिक था इज लाइक इसका तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. एंड हमने ना ऑनलाइन दिया था बिकॉज बोथ ऑफ अस लाइक लिखना फिजिकल नहीं हो पाएगा, तो हमने ऑनलाइन ही लिया था. एंड आई एम लाइक थिंकिंग, आई एम जस्ट टॉपिक देखे कि अरे बाप शुभ्रत ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा. फिर एग्जाम करके वी केम आउट एंड दैट फीलिंग कि चलो लाइक फर्स्ट स्टेप डन. And I was like pretty much confident कि यार CLB 10 आ जाना चाहिए. And he was like हाँ हाँ आ ही जाएगा types. क्योंकि मेरा वो experience भी था ना TOEFL के साथ, तो मेरे MBA के time मुझे TOEFL भी लिखना पड़ा था, तो मुझे idea था कि कैसा होता है. And then you know I started discussing with him कि अरे writing में तो तुमको ये आया, तुमने तो. He's like नहीं मेरे को तो ये topic नहीं आया. I was like what are you saying? He's like हाँ मेरे को ये topic, दूसरा topic आया. And then we realized कि okay probably you know questions same. Sets अलग होते हैं. हाँ same नहीं था. Obviously. हम भी बेवकूफ थे, हम लोग को लगा था कि सबको एक आएगा, ऐसा तो नहीं होता है. या तो बस फिर क्या, फिर हम गए IELTS का, हमने एग्जाम दिया. एंड वेस्ट का भी काम शुरू कर दिया था, वो एक्चुअली हम बाद में शुरू किए. सो फिर उसके बाद फटाफट फिर मार्च के सेकेंड वीक में आई वेंट बैक टू वाइजैग गुंडू के पास एंड देन ही ऑल्सो केम. एंड मेरा ग्रेजुएशन मैंने वाइजैग से ही किया था, तो फिर देन यू नो आई विजिटेड कॉलेज वहाँ से वो वेस्ट को. उस टाइम पे ये रूल था कि आप नहीं भेज सकते ट्रांसक्रिप्ट, डायरेक्ट कॉलेज से जाना पड़ेगा वेस्ट के पास. तो ऑल ऑफ दैट आई डिड. शुभ्रतोष वॉज सुपर क्विक, ही जस्ट इवेल्युएटेड हिज MBA फ्रॉम बर्मिंघम एस्टन यूनिवर्सिटी, तो वो तो ऑनलाइन हो गया, इट वॉज वेरी क्विक. मेरा MBA भी एमिट यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन ही हो गया था, इट वॉज जस्ट माई ग्रेजुएशन जो मेरे को फिजिकली जाना पड़ा था यूनिवर्सिटी. तो इवेल्युएशन वगैरह कर लिए, फिर नाउ बैक टू बैंगलोर. फिर हमको लगा कि यू नो नो मैटर कितना भी रिसर्च कर लिया प्रॉबली वी शुड गो अहेड एंड गेट अ कंसल्टेंट फॉर अवर सेल्फ. तो बैंगलोर में अरे नाम मत लो, वी वेंट टू अ कंसल्टेंट एंड यू नो दे चार्ज दिस 90,000 rupees. दैट वाज लाइक 50% डिस्काउंट. दैट वाज आफ्टर 50% डिस्काउंट. एंड उन्होंने बोला था कि यू नो एंड टू एंड सब कुछ कर लेंगे. एंड देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि पैसों का कैसे करना है, यू नो प्रूफ ऑफ फंड्स कैसे दिखाना है एंड ऑल ऑफ दैट. But guys, सच्ची बताऊँ, you don't really have to take a consultant. Like we've learned it in a hard way. I'm sure there's so many videos on YouTube जहाँ पे आप खुद से देख के सारा application भर सकते हो. Like it's not rocket science at all. Like over the few months हमने you know initially हमको डर लग रहा था and we let the consultant fill out our applications, but eventually हमने काफ़ी सारे mistakes निकाले उन्होंने जो भरा था. एंड देन हम you know हमको और बिल्कुल भी trust नहीं था. So before the final application हमने खुद ही सारा भर के you know खुद ही documents सब बना के application you know हमने भर लिया. फिर और हमने अपना express entry profile submit कर दिया. उसके बाद यू नो वी वेंट बैक टू वाइजैग एंड वहां से अब तो मतलब वी वर श्योर कि हो गया, बस अब तो यू नो कभी ना कभी ये भी आ ही जाएगा ड्रॉ में नाम. एंड वील हैव टू लाइक स्टार्ट पैकिंग. एंड फिर फैमिली के साथ हमने बैठ के बात किया कि दिस इज हाउ द टाइम लाइन्स माइट लुक. हो सकता है यू नो इन द नेक्स्ट 6-7 months हो जाए, हो सकता है साल भर लग जाए, बट हो जाएगा एट सम पॉइंट टाइम. And then we came back to Bangalore and then you know life as usual chal raha tha
एट अ सर्टेन पॉइंट हमने उम्मीद छोड़ दी थी. बाय द एंड ऑफ मे हमारा था कि यार हो गया, लाइक इट्स मोर देन 2.5 months नाउ, इतने सारे ड्रॉज हो गए, एक में भी हमारा कट ऑफ, यू नो हमारे पॉइंट्स नहीं आए थे. सो वी वर एट अराउंड 465-ish, 465 या 466, क्योंकि मुझे सी एल बी 9 आया, 10 नहीं आया. सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि दे दूँ क्या एक बार फिर से एग्जाम. तो फिर काफ़ी सोचने के बाद यू नो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, दे ही देती हूँ, एक बार चांस लेके देखती हूँ. तो जून 22 को यू नो आई स्टार्टेड एंड आई फिल्ड आउट आईएलटीएस का एप्लीकेशन, पेमेंट वगैरह कर दिया. जून 23 The day when our journey started, शाम को कैजुअली सुब्रतो पापा हॉल में बैठ के चाय वाय पी रहे, मम्मी किचन में, मैं कुछ तो कर रही थी, एंड सडनली फोन बजा, ईमेल आया कि फ्रॉम IRCC कि यू नो ओंटारियो ड्रॉ में बेसिकली OINP में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज नॉक कोड 1121 में मेरा सिलेक्शन हो गया था. तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, ठीक है, एंड लाइक विद इन ईमेल आने के लाइक विद इन 10 seconds मैं फटाक से जाके पहले मैंने फेसबुक खोला एंड आई स्टार्ट चेकिंग ऑल द इमिग्रेशन ग्रुप्स टू सी कि कुछ ड्रॉ हुआ क्या, कोई स्पैम तो नहीं है ये. आई ओपन माई एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, वहां पर भी आई एम सीइंग कि अब तक कुछ भी नहीं आया लेटर या मैसेज. एंड देन आई टोल्ड हिम कि सुनो ऐसा हुआ, एंड देन वी वर लाइक इन कम्प्लीट शॉक कि सच्ची है या मजाक हो गया हमारे साथ, स्पैम ईमेल है क्या, स्पैम है क्या. And then, you know, I kept refreshing कि कोई तो कुछ तो Facebook पे post कर दे. And then I think after half an hour or so, people started posting कि guys, OINP का draw हुआ है, किसको मिला है, you know, invitation. And then, oh my God, that moment, like in the entire journey, काफी सारे milestones होते हैं, like AOR, ITA, लेकिन हमारे लिए 23rd June 2021 का जो वो फर्स्ट ईमेल फ्रॉम IRCC, दैट वॉज द मोमेंट फॉर अस, लाइक वो फीलिंग हम कभी नहीं भूल सकते. बस उसके बाद वी वर लाइक ओके चलो अभी शुरू करना है, अभी IELTS के पैसे तो गए. लिटरली एक दिन पहले बैठ के IELTS का मैंने एग्जाम बुक किया. बट एनीवेज यू नो द बिगर पिक्चर डज मैटर. तो फिर फटाफट हमने मैंने एक्चुअली यू नो मैंने जल्दी से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसका लिंक मैंने डाला फेसबुक पे कि गाइज जिसको भी आज ड्रॉ में यू नो गॉट सिलेक्टेड प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप. एंड दैट्स हाउ यू नो वी हैड अ ह्यूज कम्युनिटी, काफी सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे. एंड देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कि कैसे क्या करना है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है. एंड देन आई थिंक बहुत जल्दी लाइक विद इन अ वीक हमको बायोमेट्रिक्स और मेडिकल्स का रिक्वेस्ट आ गया था. तो हमने जाके हमारा जल्दी हुआ सब, हाँ बायोमेट्रिक्स करा लिए, मेडिकल करा लिए. एंड यू नो एडिंग टू हिज पॉइंट, आई थिंक हमारा बैच वॉज वेरी लक्की क्योंकि फेब एंड मार्च में भी वो टेक ड्रॉ हुआ था, जनरल ड्रॉज भी हुए थे. सम हाउ उन बैचेस का एप्लीकेशन प्रोसेस होने में काफी टाइम लग रहा था. हमारे बैच में जिनका भी नाम आया सबका बहुत जल्दी पूरा प्रोसेस हुआ. एंड आई विल टेल यू द टाइम लाइन्स यू नो व्हाइल वी स्पीक. फिर हमने 23 June को हमारा आया OINP के ड्रॉ में आया हमारा सिलेक्शन. एंड जुलाई मिड में हमने अप्लाई कर दिया फॉर ओंटारियो प्रोविंस. एंड इन द नेक्स्ट 12-13 डेज हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया एंड 400 पॉइंट्स एड हो गए थे टू आर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल. एंड दैट हैपेंड इन ऑगस्ट, आई थिंक ऑगस्ट 4th या 5th को. मैं पूरा जो टाइमलाइन है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको. एंड इमीडिएटली 2 दिन बाद फिर ऑल प्रोग्राम ड्रॉ हुआ एंड वी गॉट द ITA. सो या फिर क्या, फिर जल्दी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर किए, जितना भी थोड़ा बहुत हमको लगा था कि OINP एप्लीकेशन के टाइम पे थोड़े बहुत बेटर हो सकता था, हमने वो सब करा. आई विल एक्चुअली यू नो ट्राई टू मेक डिटेल वीडियोज ऑन हमने कैसे प्रूफ ऑफ फंड्स किए या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स गैदर किए. लकीली आई हैव ऑल ऑफ दोज अभी भी. तो आज नहीं, आज आई जस्ट वांट टू टेल यू द ओवरऑल स्टोरी. एंड वी टुक सम टाइम, वी डिड नॉट रश इनटू इट. हमको ऑगस्ट 5th या 6th को शायद आया था
एंड सितंबर 3rd वीक में हमने हमारा एप्लीकेशन पीआर एप्लीकेशन सबमिट किया, हमारा एओआर आया एंड उस दिन हम लोग बिग ब्रूस की गए सेलिब्रेट करने बैंगलोर में कि यू नो अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो जो होगा जितना टाइम लगेगा लगेगा, देयर इज नथिंग मच वी कैन डू नाउ। एंड हमारा जो ग्रुप था व्हाट्सएप का, इतना हम लोग इंटरैक्टिव थे कि यू नो वी शुड ट्रैक ईच अदर, पिंग ईच अदर कि किसका क्या हुआ, किसका क्या अपडेट आया, एंड वी यूज टू ट्रैक द घोस्ट अपडेट्स एज वेल। तो हमको पूरा पैटर्न समझ आ गया था IRCC का कि 3 घोस्ट अपडेट्स आते हैं इस स्टेज में, ये फर्स्ट घोस्ट अपडेट आएगा आपका बैकग्राउंड चेक हो जाएगा तो सेकेंड घोस्ट अपडेट आएगा एंड थर्ड घोस्ट अपडेट आने के ठीक 1-2 दिन बाद आपका COPR आ जाएगा। ट्रैक एंड हर दिन रात को ग्रुप एक्टिव हो जाता था कि गाइज अच्छा सितंबर 1st वीक के AOR वालों का 3rd घोस्ट अपडेट आ गया, तो इसका मतलब 1-2 दिन पे PR आएगा एंड इट वॉज सो मच फन एंड वी लिटरली स्टार्टेड सीइंग ड्रीम्स की पहले नहीं होता था ना, मतलब पहले शायद होता था बट पहले क्या होता था ना, प्री कोविड एक्सप्रेस एंट्री वॉज सो फास्ट, आई थिंक 2-3 महीने में लोगों का हो जाता था PR, तो पीपल नेवर रियली वेंट एंड चेक। हमारा क्या था कि सिंस हमारे पास इतना टाइम था और एवरीबॉडी वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, हम घोस्ट अपडेट्स तक ट्रैक करते थे कि फर्स्ट घोस्ट अपडेट अच्छा आ जाए अब ये। एनीवेज एंड यू नो हमारी प्लानिंग शुरू हो गई थी कि गाइस 23rd June 2022 कनाडा में CN टावर के नीचे पार्टी करेंगे, सारे लोग मिलेंगे एंड इट वाज सच अ नाइस फीलिंग। एनीवेज तो ये सब हुआ एंड देन यू नो वी वेंट बैक टू वाइजैग बिकॉज वी न्यू कि जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स लेफ्ट परिवार वालों से मिलना। हम लोग पूरी गए, हम कोलकाता गए, सारे रिलेटिव से मिले एंड फेब्रवरी एंड में हमारा घोस्ट अपडेट आया एंड द नेक्स्ट डे हमारा COPR आ गया। सो दैट वॉज इट एंड देन वी नो कि चलो अब आ गया, अब हमें जाना है कैनेडा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वॉज अपने अपने एम्प्लॉयर्स को बताना। वी वर वेरी लकी देन इमीडिएटली यू नो नेक्स्ट डे मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया, शी वॉज बेस्ड इन US। मैंने उनको बोला कि देखो ऐसा मेरा कैनेडा का PR हो गया तो इज देर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ट्रांसफर, बिकॉज अगर नहीं होता है तो आई हैव टू पुट डाउन माई पेपर्स क्योंकि फिर 2 महीने का यू नो नोटिस पीरियड होता है एंड सेम वॉज विथ हिम। लकीली बोथ ऑफ आवर एम्प्लॉयर्स अग्रीड फॉर अ ट्रांसफर। तो आई नो ये एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट होता है व्हेन यू आर इमिग्रेटिंग टू अ न्यू कंट्री, यू नो हैविंग अ गुड जॉब। आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड वी लैंडेड इन कैनेडा, दिस वाज दिस वन थिंग जो हमको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ा बिकॉज वी हैड सिक्योर्ड जॉब्स इन आवर हैंड्स यू नो टच वुड। तो जल्दी जल्दी सब पेपर वर्क हो गया, ऑफिस की तरफ से भी हमको ऑफर लेटर्स मिल गए मुझे इनको एंड हमने सोचा था नेक्स्ट स्टेप वाज नाउ टू यू नो बुक आवर फ्लाइट टिकट्स। तो हमने फिर फ्लाइट टिकट्स भी बुक कर लिए, हमने ज्यादा डिले नहीं करा बिकॉज मेरा 1st मे का ज्वाइनिंग था, इनका भी 1st मे का ज्वाइनिंग था। तो हमने 30th अप्रैल का टिकट्स कर लिया फ्रॉम बैंगलोर। हमने ये किया था, हमने लुफ्तांजा किया था वाया फ्रैंकफर्ट एंड देन इमीडिएटली फिर जैसे ये सब हुआ वी केम बैक टू बैंगलोर। फिर सूटकेसेस खरीदना, लिस्ट बनाना, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, तो तुम अलग से बनाना अगर कोई हाँ लिस्ट का एंड देन गोल्ड इवैल्यूएशन वो एक बहुत मेजर पार्ट था बिकॉज आई वॉन्टेड टू कैरी ऑल ऑफ द ऑर्नामेंट्स। तो उसका भी आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो कि हमने कैसे गोल्ड इवैल्यूएट कराया बैंगलोर से, वो सब किया एंड बस 30th को फिर हम निकल गए और आ गए कैनेडा। तो Airbnb हमने बुक किया था यहाँ डाउनटाउन में ही आइस कॉन्डोज में हमको मिल गया था Airbnb, तो एक महीने के लिए वो लिया एंड और उसका व्यू भी CN टावर का था, उसका व्यू भी CN टावर का था। तो या सो जस्ट दोस्त का मैंने फोटो देखा था व्हाट्सएप स्टेटस, कोइंसिडेंटली हमारे Airbnb के एकदम ऑपोजिट बिल्डिंग में ही वो रहती थी यहाँ पे, नाउ तो शी इज इन कैलगरी, दे हैव रिलोकेटेड, उस टाइम पे वहीं पे रहती थी। सो यू नो इट वॉज जस्ट लाइक अ डेजा वू मोमेंट फॉर मी कि एक व्हाट्सएप स्टेटस से मेरा जर्नी शुरू हुआ एंड नाउ आई वॉज राइट देयर स्टैंडिंग क्लिकिंग अ पिक्चर ऑफ CN टावर एंड पोस्टिंग इट इन व्हाट्सएप माई व्यू फॉर द नेक्स्ट 1 month। सो या लाइफ केम फुल सर्कल फॉर मी।
इस तरह से हमारा इमिग्रेशन जर्नी खत्म हुआ. द स्टार्ट वॉज एब्सोल्युटली स्मूथ. इनफैक्ट लकीली हमको कहीं पे भी दिक्कत नहीं हुई, लाइक मेरे बेटे का डे केयर फाइंड करना या हम लोग का पहला ये अभी ये वाला घर ये मिलना, जबकि हमारे इतने सारे क्राइटेरिया थे कि हमको फुल्ली फर्निश चाहिए, हमको पार्किंग चाहिए, बट वी डिडंट हैव दैट स्ट्रगल एज वेल. अगेन दिस इज अनदर स्टोरी. आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन हाउ यू नो वी फाउंड अ हाउस एंड आई विल शो यू माय हाउस. तो बस सेटल हो गए फिर एंड अभी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर वी आर हियर, यू नो उससे ज्यादा इनफैक्ट अभी मई में 2 साल हो जाएंगे. एंड आई थिंक वी आर डूइंग प्रीटी गुड. इट्स आई नॉट से कि हम लोग वेल सेटल है, सेटल होने में तो अभी टाइम है. अच्छा खासा सेटल लाइफ इंडिया में छोड़ के यहाँ आ गए टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, बट दैट्स द फन राइट. अगर यही नहीं किया तो फिर क्या करते और इंडिया में, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली आवर पर्सनल ओपिनियन एंड वी आर लविंग एवरी डे एवरी बिट ऑफ इट. एंड वी आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि हमको यहाँ पे इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल भी मिला. तो वी डिड नॉट हैव फील यू नो लोनली या कुछ भी. एवरी वीक कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मिल रहे हैं. तो टाइम इज जस्ट फ्लाइंग बाय एंड बस सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं. एंड यू नो आई विश यू वी विश यू ऑल द लक whoever is trying to immigrate to another country. It is not easy. Agar aapko, you know, they say the grass is always greener on the other side, but aisa nahi hai. You need to put in a lot of hard work. वहां से बैठ के दिखता होगा कि यू अमेरिका में लाइफ इतना शाइनी है, ग्लोई है, बट ऐसा नहीं है. एवरीबडी इज वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक दैट लाइफ शाइनी एंड ग्लोई. तो इफ यू वांट टू कम, प्लीज कम. इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री. बहुत सारे यहाँ पे फैसिलिटीज है जो यू नो वंस ओनली आफ्टर यू लिव हियर यू विल बी एबल टू कंपेयर एंड नो. प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही है हर जगह से, सो यू कैन नॉट रियली लाइक हैव एग्जैक्ट मैचेस एनीवे. तो दैट्स अ स्टोरी. आई होप आपको अच्छा लगा हमारा स्टोरी. नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही एक नॉर्मल कपल लिविंग इन इंडिया, नॉर्मल लाइफ, जस्ट डिसाइडेड वॉन्ट टू माइग्रेट एंड हियर वी आर सिटिंग हियर एंड टेलिंग यू आवर स्टोरी. कमेंट करके बताना व्हाट वाज योर इमिग्रेशन स्टोरी एंड डिड यू हैव टू फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स या वाज इट वेरी स्मूथ. I'll be very happy to rate it. और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ. जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. Until then, stay happy, stay healthy, spread love. Bye.